हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कान्हा जी की पगड़ी। तो इसको बनाने के लिए मैंने ये रेड कलर की स्ट्रिप ली है। ये एक कार्डबोर्ड की मैंने पतली जो कार्डबोर्ड रहता है उसका मैंने ये थोड़ा सा पट्टी टाइप से टुकड़ा काटा है और इसको मैं एक पगड़ी की शक्ल में बनाऊंगी। तो इसको मैंने सबसे पहले बीचों बीच मैंने वी शेप में काट लिया है और इसको मैं यहाँ से सेलो टेप से इसको जोड़ दूँगी रोल कर कर। ये आपको उतना ही करना है जितना आपके जो कान्हा जी हैं उनके सिर पर फिट आ सके उतना रोल करना है आपको। और इसको बीचों बीच इस तरह से वी शेप में काटने के बाद ये जो हमने कपड़ा लिया है, कोई भी आप कपड़ा ले सकते हैं जिसके आप जिस तरह की ये पगड़ी बनाना चाहते हैं वैसा आप कोई भी अच्छा सा कपड़ा ले लें और इसको इस तरह से तैयार कर लें। तो मैंने इसको पूरी लंबाई में इस स्ट्रिप के हिसाब से काट लिया है और इसको मैं इस तरह के दो स्ट्रिप काटूंगी और इनको मैं इस तरह से तैयार कर लूँगी। और ये जो इसके धागे होते हैं साइड के स्ट्रिप काटते हैं जब, तो उनको मैं लाइटर की मदद से जला देती हूँ। अब मैं इसको साइड में से थोड़ा सा सील कर, जैसे ये वी शेप है तो थोड़ा सा हमें किनारे को भी काटना पड़ेगा, तो किनारा काटने के बजाय हम इसको अंदर की तरफ थोड़ा सा सील देंगे तो ये वी शेप में हमारी जो पगड़ी की जो शक्ल है वो आ जाएगी। ये हमने किनारा इसके कपड़े का थोड़ा सा मोड़ दिया है और इसको मैं सिलाई की मदद से सिल लूँगी। आप चाहें तो इसको चिपका भी सकते हैं ग्लू से, पर मैं इसको सुई की मदद से करूँगी ताकि ये जल्दी से हो जाएगा। इसी तरह से मैं दूसरी तरफ भी इसी तरह से करूँगी इसको। अब हम इसको लगा देते हैं। ये हमने जो किनारा मोड़ा था इसका कपड़े का, उसको हम इस तरह से लेंगे और ये भी वी शेप में जाएगा और जो दूसरी जगह है वो भी हमने वी शेप में इसको सेट करनी है। तो हम इसको सिलाई की मदद से इसे कार्डबोर्ड से सिल देंगे। ये अब हम एक पंख की शक्ल में इसको प्लेट्स डालकर दूसरी जो स्ट्रिप है उसको साड़ी की प्लेट की तरह इस तरह से बना लेंगे, जो ये पंख की शेप बन जाएगी। इसको हम प्लेट्स की तरह लगाना है और नीचे से हमने इसको सिलाई कर दी है। अब हम इसको कैप में इस तरह से लगा देंगे। दोनों हिस्से सिलने के बाद हम इसमें जो किनारे हैं उनके जो धागे हैं वो एक कैंडल की मदद से इनको जलाकर सही कर लेंगे, क्योंकि ये पगड़ी जो है इसमें ऊपर की तरफ हमें, ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरे धागे इसके जला लिए हैं कैंडल की मदद से। अब हम इसके ऊपर जो होल बना हुआ है कैप के, उसको ढकने के लिए हमें एक सर्किल काटना है। ये सर्किल हमें इसके बराबर का काटना है ताकि ये जो पगड़ी है वो ऊपर से ढक सके हम, क्योंकि हमने खाली ये रोल ही बनाया था इसका फिंगर की मदद से। तो हमें इसको ऊपर की तरफ हमें कवर भी लगाना है, तो इसको लगाने के लिए हमने ये सर्किल काट लिया। सर्किल सेम ही काटना है जैसा कि आपने ये राउंड काट रखा है वैसा का वैसा आपको ये गोल चक्कर काटना है। तो इसको बहुत अच्छी तरह से काटना पड़ेगा आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने गोल सर्किल काट लिया है और इसी तरह से हम कपड़े का भी गोल सर्किल काट लेते हैं और इसको अच्छी तरह से फिनिशिंग से काटना है। गोल सर्किल एकदम बढ़िया कटना चाहिए, नहीं तो ये फिनिशिंग नहीं आएगी। हल्का सा भी हमें किनारा नहीं दिखना चाहिए इसमें। अब ग्लू की मदद से जो हमने गोल सर्कल कपड़े का काटना है वो भी हम इस पे चिपकाएंगे। हम इसका ऊपर चिपका लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इस गोल कपड़े को भी इसके ऊपर कार्डबोर्ड के ऊपर जो हमने गोल कार्डबोर्ड काटा था उसके ऊपर इसको चिपका लिया है। ये इस तरह से नज़र आएगा। इसको थोड़ी देर सूखने देंगे। अब सूखने के बाद इसको हम कैप के ऊपर की तरफ जहाँ पर ये गोल हिस्सा हमारा बना हुआ था उस पर लगाएंगे और इसके ऊपर हम एक बटन टाइप से, एक हमारे पास स्टार था जो हमने इसके ऊपर लगा दिया है, जो हमने जोड़ लगाया था उसके ऊपर। और ये जो हमने एक लेस ली है स्टोन वाली, इसके छोटे छोटे जो स्टोन है वो निकाल लेंगे बीच में से कट कर कर। एक एक स्टोन हम इस तरह से निकाल लेंगे और इनको हम पगड़ी के ऊपर यूज करेंगे।
ये 1-1 स्टोन आ जाएंगे। ये देखिए, ये जो हमारी पगड़ी बनी है इसके ऊपर हम ये जो पट्टियाँ हमने बनाई थी इनके ऊपर इनको स्टोन्स को एक एक करके लगा देंगे, और साथ में हमने जो साइड में जर्किन लगाई है उसको भी हम इस स्टार के चारों तरफ लगा देंगे। तो ये हमारी पगड़ी इस तरह से बहुत प्यारी लगेगी जब हम इसको स्टोन और जर्किन को आप गोल हिस्से के अंदर लगाएंगे। ये देखिए, ये हमने स्टोन वाली ही जर्कन लगाई है, वाइट स्टोन है, और येलो कलर की हमने जो लेस ली थी उसके स्टोन हमने यूज किए हैं इसके अंदर, और एक हमने वाइट जो मोती है वो लिया है। ये आपको किसी भी जनरल स्टोर से या जो आपके लेस वगैरह जिससे लेते हैं उस दुकान से आपको मिल जाएंगे आराम से। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने एक जो जर्किन नीचे लगाई थी उसकी ही एक नग को हमने इसमें से काट लिया है, और ये जो हमने जो बीट लगाया था गोल गोल उसके ऊपर इसको नग को लगा देते हैं। तो इससे क्या है, थोड़ी सी शाइनिंग भी आएगी और हमारी जो कैप है वो बहुत लुकिंग में सुंदर बन जाएगी। तो हम ये जो नग है वो फेविकोल से इसके ऊपर मोती के ऊपर लगा देते हैं। कि देखिए फ्रेंड्स, हमने ये जो गोल नग था उसके ऊपर इसको स्टोन को लगा दिया है, जरकन वाले जो हमने काटे थे उसको, और ये काफ़ी शाइन देगा। और इसके ऊपर जो हमने ये गोल गत्ता काट कर उसके ऊपर जो हमने गोल कपड़ा लगाया था उसको भी थोड़ा सा अच्छे से इसको डेकोरेट कर देंगे। तो इसको डेकोरेट करने के लिए भी हमने ये नग लगाया है, और नग के चारों तरफ हमने ये गोल जो बीट्स वाली जो गोल्डन चैन आती है वो हमने इसमें यूज़ की है। ये हमें चारों तरफ लगानी है इस तरह से, खाली जो हमने मोरपंख बनाई है उसकी तरफ हमने नहीं लगाई है। ये हम थोड़ा सा इसको या तो फोर्सेप्स की मदद से या थोड़ी सी कोई भी तिल्ली वगैरह की मदद से इसको इस तरह से इसके ऊपर लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये जो गोल्डन चैन है वो इस तरह से लगा दी है, और कैंची की मदद से हमने जो एक्स्ट्रा फेविकोल थी उसको हमने हटा दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो ये कैप है वो तैयार हो गई है, कितनी प्यारी लग रही है। इसमें शाइनिंग भी बहुत अच्छी आ रही है, स्टोन और जरकन की जो शाइनिंग है वो भी बहुत प्यारी लग रही है। आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा और अपने कान्हा जी को पहनाइएगा।